हाँ आज इसका लास्ट पेपर है, अब इसको सेंटर ले जाने में तो अभी बहुत टाइम है। तो मैं गया अपने घर के पीछे गेट से बाहर और नीम के पत्ते टोल लाया, फिर इनको साफ किया और ग्राइंडर में डालकर पीस डाला। अब सब कुछ सही चल रहा था लेकिन मशीन की आवाज सुन के अन्नदाता आ गई। मैं तो डर ही गया था, लेकिन उन्होंने दो तीन थप्पड़ के अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया। अब ये नीम का रस लेकर मैं गया मम्मी के पास और मम्मी से कहा, मम्मी आप मेरे सिर में डाल दो ये। मम्मी ने कहा डाल तो दूंगी लेकिन पहले मेरे पापड़ धूप में डलवा। तो मैंने जल्दी से उनके पापड़ धूप में डलवा कर कहा, ये लो गिलास अब आपकी बारी, अब ये नीम का रस हफ्ते में एक बार अपने सिर पर जरूर लगाता हूं ताकि इन्फेक्शन ना हो कोई भी। खैर अब इसके एग्जाम सेंटर जाने का भी टाइम हो गया, तो जल्दी से बाइक के पीछे बैठे और पहुंच गए एग्जाम सेंटर। फिर जल्दी से ये गए स्कूल के अंदर और हम 6 से 7 लोग चल पड़े खट्टे मीठे बेरों की तलाश में। रास्ते से मैंने बेरों को तोड़ने के लिए हथियार भी उठा लिया। बहुत फटकने के बाद हमको एक बेरी मिल ही गई और हम सब उस बेरी पर ऐसे टूट पड़े जैसे एल्विस अपनी गैंग के साथ मैक्सटन के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत सारे बेर खाए लेकिन खट्टे मीठे बेरों से पेट नहीं भरा, तो हम लोग पेटेस खाने आ गए और इसके बाद एक एक पैक भी मान लिया। अब ये भी अपना लास्ट पेपर देकर बाहर निकल आई। मैंने पूछा पेपर कैसा गया, कह रही फालतू बात नहीं। खैर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।